और जैन साथियों, उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी बीटीसी बीएड कर लिए हैं उनका सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल आ रहा, मेरा भी ये सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कब आएगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम अभ्यर्थी धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार अब भर्ती नहीं आएगी तो क्या होगा, मैंने खुद मैं भी अब टूटने लगता हूँ। लेकिन हाँ, जब आप टूट जाएंगे, जब आप बिखर जाएंगे, तो यकीन मानिए हम सफलता से कोसों दूर चले जाएंगे। खुद को समेट कर रखना है और हमेशा अपना बेहतर और बेस्ट देना है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा अचानक से पेट, फिर अचानक से आपने टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखी, कुछ इसी तरह कभी न कभी आपके विशिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक भर्ती का ज्वालामुखी जरूर फूटेगा। और यकीनन आप सब जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो लगे हुए हैं, वो सफलता की अंतिम इबारत जरूर लिखेंगे, क्योंकि नित प्रतिदिन कुछ टूट रहे हैं और कुछ अपने आप को समेटे हैं, कुछ अपने आप को जोड़ कर रखे हैं, और जो जोड़ कर रखे हैं, जो लगातार एक दूसरे को बधे हुए आगे चल रहे हैं, वो सफलता की एक कहानी हमारे विभाग के लिए जरूर सामने लेकर आएंगे। सामने हमने देखा कि पीआईबी की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की सीट को खाली दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ नामांकन लगातार बढ़ रहा है, जुलाई में अब स्कूल खुल चुके हैं, फिर से नामांकन बढ़ रहा है, और ये जितना अधिक नामांकन होगा, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मेरे आने वाले नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं, आप सभी के लिए ये कहीं ना कहीं एक रामबाण की तरफ होगा। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, नित प्रतिदिन आप अपनी मेहनत में इजाफा करिए और यकीन आप सफलता के तक पहुँचेंगे। दूसरा सवाल आपके मन में भी आता है, ये भी आ रहा है कि पहले सीटेट होगा या पहले यूपीटेट होगा। देखिए, सीटेट भी लगातार टलता चला जा रहा है, जहाँ तक अंदेशा था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आवेदन मांग लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सीबीएसई के द्वारा किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। लेकिन जल्द ही सीटेट अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, एक भर्ती से पहले सीटेट परीक्षा पूरा कराने का प्रयास होगा और सीटेट आवेदन होगा। जो भी तक यूपीटेट या सीटेट नहीं पास थे, उन्हें एक मौका जरूर मिलेगा। दूसरी बात यह आ रही है, सभी के मन में आ रहा है कि पहले यूपीटेट या पहले सीटेट, तो ये बात साफ होता जा रहा है सीटेट आएगा। लेकिन अगर यूपीटेट आता है तो कुछ लोग कह रहे हैं पहले यूपीटेट के बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी, लेकिन यह पॉसिबिलिटी नहीं पहले सीटेट की, इसलिए सीटेट की तैयारी आप लोग जोरों शोरों से करना शुरू कर दे जो अभी तक टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं थे, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए दोनों मान्य हैं। एक सवाल आ रहा है केबीएस के लिए, क्या केबीएस शिक्षक भर्ती की तैयारी की जाए, क्या केबीएस पीआरटी के लिए तैयारी जारी रखा जाए? जी हाँ, केबीएस आपके लिए जल्दी आ सकता है, सीटेट में देरी होने का अंदेशा केबीएस ही है। अगला सवाल आ रहा है कि क्या केबीएस में आप सब आवेदन कर सकते हैं, अगर सीटेट जिनका नहीं हुआ है क्या वो भी केबीएस में फॉर्म आवेदन कर सकते हैं? देखिए, 2018 में एक मामला आया था, केबीएस ने उसके पहले सीटेट नहीं कराया था, तो उन्होंने अपनी विज्ञप्ति में एक बात का जिक्र किया था कि जो भी साथी केबीएस का फॉर्म आवेदन कर रहे हैं, अगर वो सीटेट नहीं पास है फिर भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका सीटेट नहीं क्लियर होता है, अगर उनका सीटेट नहीं क्लियर हो पाता है, तो वो केबीएस परीक्षा से पास होने के बाद भी वंचित हो जाएंगे। लेकिन केबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यदि कोई व्यक्ति, व्यक्ति का समूह, यदि वो किसी भी तरह से सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं और साथ ही केबीएस भी उत्तीर्ण है, तो उनको मान लिया जाएगा। मतलब एक तरफ केबीएस उन्होंने दिया और सीटेट दिया, अगर दोनों पास हो गए तो नौकरी मिल गई, अगर कोई एक पास होते तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो हो सकता है ऐसा इस बार भी हो और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आवेदन प्रारंभ चल रहा है, उसमें डेट भी बढ़ गए हैं, तो उन सभी साथियों के लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस होगी जो काफ़ी दिनों से लगे हुए थे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनके लिए भी जो डीएलएड कर चुके हैं, मतलब 17 बैच से, जब से बीटीसी का नाम बदल कर डीएलएड हुआ है, तब से एक लंबा गैप देखने को मिल रहा है। आखिर कब आएगी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा? क्या इसी तरह हम और आप दिन प्रतिदिन इंतजार करते रहेंगे एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का, एक शिक्षक भर्ती परीक्षा का? यह तमाम सवाल सभी के मन में, सभी के जहन में बने हुए हैं। उससे बड़ा एक सवाल और शायद आपके मन में आ रहा होगा कि क्या जल्दी कोई भर्ती शिक्षक हो सकती है, जैसे अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर? देखिए, एक मामला है बीटीसी और डीएलएड और साथ ही बीएड को लेकर कि प्राथमिक के लिए कौन मान्य है। यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर सुनवाई भी जारी है।
कहीं ना कहीं इसकी वजह से 2021-22 का जो परिणाम रहा यूपी टेट का वो भी रुका पड़ा है। और इस दशा में इस संभव तक पहुँचना कि क्या होगा भर्ती है, कब होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कहीं ना कहीं इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। क्या होगा इस निर्णय में बीटीसी और बीएड के, जब तक परिणाम नहीं आता क्या तब तक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्या बिना बीएड के आ सकती है अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके लिए बीटीसी डीएलएड से चवित्र मान्य, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो माननीय न्यायालय के चौखट में पड़े हुए हैं। इस वजह से भी आपकी भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे। संडे स्पेशल लाइव वार्ता में हम आपके लिए लेकर आए थे सवालों के ढेर सारे जवाब, और साथ ही साथ 9:30 बजे की रात आपके लिए डेली आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है। जल्दी ही पिछले 1-2 दिन के बाद आपके लिए रात 9:30 बजे से जीएस के फिर से महागाथा सीरीज लेकर आते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सेट हमारे के लिए जो आपके KBS सुपर टेट DSSB और पेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके पूछिएगा। मैं आने वाले समय में अपने बचे हुए समय में आपके लिए निःशुल्क क्लास देशहित में राष्ट्रहित में देने के लिए सदैव तत्पर होगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप का सपना यथाशीघ्र पूरा करें, और रेस के घोड़े हैं और रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। पढ़ते रहिएगा, हमेशा अपना बेस्ट दीजिएगा, यकीन मानिए सफलता के कदमों में होगी। संभावना ये लगाई जा रही है कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले आपके लिए एक बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी, इसलिए तैयारी जारी रखिएगा, खुद से हिम्मत मत हारिएगा, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। थैंक यू, नमस्ते। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अप टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स, स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012 या 7398883002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP।